वेलकम टू माय चैनल मोक्स। दोस्तों आज हम देखेंगे ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी ऑन सीसेक्स एक्सचेंज इन हिंदी। आप अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग करने की इच्छा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों आप इसे ज़रूर अंत तक देखें। क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है? दोस्तों ये एक डिजिटल करेंसी है और दुनिया में मोर देन 42 एक्सचेंज जो कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग कराते हैं, जैसे कि कॉइन चेक, BX, बिटकॉइन, सीसेक्स वगैरह वगैरह। तो दोस्तों ये सारे एक्सचेंज है जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग कराते हैं। और वो क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? तो दोस्तों बिटकॉइन, एथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन, डैशकॉइन आदि। ऐसी दोस्तों 700 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी दुनिया में अवेलेबल है और इसके अंदर ट्रेडिंग होता है। दोस्तों हम भारत के अंदर रह रहे तो वहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे विश्वसनीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज सीसेक्स एक्सचेंज है, जो कि बर्लिन जर्मनी के अंदर स्थित है और वो 200 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग कराता है, जैसे कि बिटकॉइन, लाइटकॉइन, डोजकॉइन, एथेरियम, बहुत सारी करेंसी। और दोस्तों ट्रेडिंग चार्ज उसका 0.02% है दोनों तरफ बाइंग और सेलिंग के अंदर। ये काफ़ी रिलायबल, विश्वसनीय और सिक्योर एक्सचेंज है और काफ़ी फास्ट इसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो और इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं सीसेक्स एक्सचेंज के अंदर कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं हम। दोस्तों सीसेक्स एक्सचेंज बर्लिन में है जो जर्मनी में स्थित है। एशिया और यूरोप में ये बहुत प्रचलित है, खासकर भारत में ये काफ़ी ट्रेडिंग करवा रहा है और ये विश्वसनीय और सिक्योर भी है। कम से कम ट्रांजेक्शन चार्ज है, ईजी टू यूज़ एंड सिंपल टू हैंडल, फुल फीचरल एक्सचेंज है। अगर आप इसमें लॉग इन नहीं है तब आप अपने मोबाइल से या पीसी से ब्राउज़र के अंदर जब csex.com टाइप करेंगे तो वहाँ पर आपको एक रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर आपको रजिस्टर में जाके फॉर्म फिलअप करना होगा और अपना ईमेल वेरीफाई करना होगा और आप लॉगिन वहाँ पर हो जाएंगे। तब आपको इस प्रकार का व्यू दिखेगा, आप देख सकते हो दोस्तों, आपको इस प्रकार का व्यू दिखेगा। वहाँ पर चार्ट दिखेगा, आपको ऊपर एक्सचेंज दिखेंगे, बिटकॉइन एक्सचेंज, बिटकॉइन मार्केट, USD मार्केट, लाइटकॉइन मार्केट और डोज मार्केट, ऐसे ऐसे आपको। और यहाँ पर आपको सारे कॉइन्स के लिस्ट मिलेगी आपको यहाँ पर देखने को। मैंने इसको अभी नाइट मोड में करके रखा हुआ, मैं आपको डे मोड में करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे कॉइन्स की लिस्ट है। यहाँ पर चारों मार्केट BTC, USD, लाइट कॉइन और डोज कॉइन मार्केट तीनों चारों शो कर रहे हैं। यहाँ पर आपको चार्ट शो कर रहा है। यहाँ पर आप फेवरेट कॉइन, जो भी आपको फेवरेट कॉइन आपको चूज़ करने, वो आप फेवरेट में जाके आप चूज़ कर सकते हो और उसको सेव कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे टॉप में आपको बैलेंस दिखेगा, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। BTC, EB3, RHFC, जो भी आपने कॉइन लेके रखे वहाँ पर आपको बैलेंस ऊपर शो करेगा आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्विच कॉइन दिखेगा, मतलब आपको जो कॉइन आपको लेना है, ख़रीदना है, बाय करना है या सेल करना है, वो आपको यहाँ पर स्विच कॉइन में आप उसको करके आप उसको स्विच करके ढूंढ सकते हैं आप। उसके बाद उसका चार्ट, उसका बाइंग और सेलिंग का ऑप्शन यहाँ पर नीचे आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय RHFC फॉर BTC, यहाँ पर आप अपना ऑर्डर लगा सकते हैं, कैसे अपनों आपको बाय करना है, कितने रेट में बाय करना है उसके हिसाब से। यहाँ पर आपको सेल ऑर्डर अपना लगा सकते हैं, सेल RHFC फॉर BTC, आप जो भी लेना चाहे बेचना चाहे आप यहाँ से सेल और बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चार्ट दिखेगा दोस्तों, चार्ट बहुत ही फीचरेड चार्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरे साल का भी चार्ट देख सकते हैं, एक महीने का भी देख सकते, एक दिन का भी चार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप 7 अप्रैल 2017, यहाँ पर टाइम आया हुआ, उसका ओपन कितने में हुआ मार्केट वो, प्लस उसका हाई कितना गया वो शो कर रहा है, यहाँ पर लो कितना गया वो शो कर रहा है, सब कुछ यहाँ पर, क्लोजिंग रेट भी शो कर रहा है, वॉल्यूम कितना भी चल रहा है वो भी शो कर रहा है। तो दोस्तों ये चार्ट काफ़ी फीचरेड चार्ट है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपका ऑर्डर पेंडिंग है क्या क्या है वो आपको दिखेगा यहाँ पर। अगर आपका
ट्रेडिंग हिस्ट्री है, आपका ट्रेडिंग जो किया हुआ है, क्या क्या आपने ट्रेड किया था, बाय किया, सेल किया, वो आपको यहाँ पर शो करा। अभी मैंने आज 5 RHFC अमाउंट मैंने यहाँ पर बाय किया, वो यहाँ पर शो कर रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, उसके बाद नीचे समरीज है, आप इसमें रिसीव, स्पेंड, टोटल सब कुछ आपका यहाँ पर समरीज शो करेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी एक ही पेज के अंदर आपका ये पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ पर आया हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सब कुछ फीचर यहाँ पर आपको मिलेंगे। अभी दोस्तों मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाता हूँ कि मैं कोई कॉइन ख़रीदूँगा और कैसे आपको कॉइन को ख़रीद सकते हैं, वो यहाँ से मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों सबसे पहले आपको अगर इसमें बैलेंस ऐड करना है, आपने अपने किसी वॉलेट से आपने पैसे एक्सचेंज में लेके आने हैं, अपने अकाउंट में लेके आने हैं, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर लेजर में जाना है। यहाँ पर जो लेजर है वहाँ पर आपने जाना है, वहाँ पर आपको सारे कॉइन की लिस्ट मिलेंगी आपको यहाँ पर, और उनका बैलेंस कितना कितना है वो आपको शो करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी लिस्ट है, बिट कॉइन 6, 11 कॉइन, 9 कॉइन, सारे कॉइन की लिस्ट है। उसके बाद यहाँ पर उसका बैलेंस शो करेगा, अगर बैलेंस आपके अकाउंट में है तो वहाँ पर आपको विड्रॉल का ऑप्शन भी आएगा। उसके बाद आपका रिसीविंग एड्रेस यहाँ पर होगा। दोस्तों हर बार आपको यहाँ पर नया रिसीविंग एड्रेस जनरेट करना होता है, एक बार ट्रांजेक्शन होने के बाद वो एड्रेस आपका एक्सपायर हो जाता है, इस बात का आप पक्का ख्याल रख ले। और ये काफ़ी सिक्योर है, इसलिए आपको हर बार ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि आप एक एड्रेस में सिर्फ एक ही बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर शो हो रहा है कितना बैलेंस है, यहाँ पर कितना बैलेंस है वो शो कर रहा है। दोस्तों मैं अभी आपको एक कॉइन बाय करके दिखाऊंगा, कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, मैं आपको बाय करके दिखाऊंगा। तो मैंने दोस्तों ट्रेड में जाना है, अगर मेरे को ट्रेड करना है तो मेरे को यहाँ पर ट्रेड का ऑप्शन क्लिक करना है, तो वापस उसी पेज पर आप आ जाओगे। अभी करना क्या है दोस्तों, मेरे पास अभी BTC है, तो मैं अभी BTC मार्केट में जाऊंगा। तो मैंने ऑलरेडी BTC मार्केट यहां पर क्लिक करके रखा हुआ है, तो अभी मैं BTC मार्केट, मेरे पास BTC है, तो BTC मार्केट में जाके मेरे को अभी कौन सा कॉइन ख़रीदना है वो मेरे को डिसाइड करना होगा। वो आप चार्ट से पता कर सकते हैं, और यहाँ पर जो कॉइन की लिस्ट है उससे आप पता कर सकते हैं आपको कौन सा कॉइन ख़रीदना है और बेचना है, वो आपकी मर्ज़ी है। अभी मैंने डिसाइड किया हुआ कि मैं RHFC नाम का कॉइन मैं यहाँ पर बाय करूँगा। तो मैं RHFC कॉइन बाय करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा स्विच के अंदर RHFC। तो यहाँ पर नीचे देखिए आ गया RHFC लिखा, तो मैं उसको क्लिक करूँगा, तो RHFC कॉइन का चार्ट प्लस उसका बाय और सेल का कॉलम आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसको नाइट मोड में कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी होगी। हाँ हाँ जी दोस्तों, अभी देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, यहाँ पर आपको चार्ट दिख रहा है। अभी चार्ट के अंदर अभी क्या रेट चल रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर चार्ट के अंदर अभी चल रहा है 0.00002009, ये रेट चल रहा है, और इस रेट पे मुझे अभी यहाँ पर बाय करना है। तो दोस्तों अगर मुझे सेल करना होता तो मैं सेल करने का लिए मैं यहाँ पर जाता सेल RHFC कॉइन फॉर BTC, तो यहाँ पर मेरा कितना कॉइन है वो शो कर रहा है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर बाय करना है तो मुझे बाइंग में जाना पड़ेगा, तो बाय RHFC कॉइन फॉर BTC। तो दोस्तों अभी मेरे पास टोटल अमाउंट है BTC 0.00187878 BTC। तो अभी इसमें मुझे कितना कॉइन ख़रीदना है वो मुझे डिसाइड करना है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी 10 कॉइन ख़रीदूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अमाउंट में भर रहा हूँ 10 कॉइन RHFC कॉइन। तो दोस्तों देखिए पर कॉइन इसकी प्राइस यहाँ पर शो कर रही है 0.00002111 BTC, और अभी यहाँ पर टोटल अमाउंट यहाँ पर कितनी है वो यहाँ पर शो कर रही है। तो दोस्तों 0.00002111 BTC मेरा टोटल अमाउंट लगेगा यहाँ पर 10 कॉइन ख़रीदने के लिए, 10 RHFC कॉइन की प्राइस ये है। तो अभी मैं यहाँ पर BTC देख के RHFC कॉइन ख़रीद रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर बाई RHFC में क्लिक करना होगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर एक कंफर्मेशन
फॉर्म खुल गया है, यहाँ पर लिखा हुआ प्लीज़ कन्फर्म योर बाय ऑर्डर यहाँ पर। तो यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिए कि मेरे 10 RHFC कॉइन है और मैंने इतना BTC मैंने इसको ख़रीदना है और यहाँ पर टोटल पे इतना कर रहा हूँ मैं और कमीशन इनका 0.02% इनका कमीशन है बाइंग का या सेलिंग का जो भी है, और मुझे यहाँ पर 9.98 कॉइन मिल रहे कमीशन काट के। तो मैं यहाँ पर कंफर्म करूँगा, अगर मुझे कंफर्म है तो मैंने कंफर्म कर लिया। दोस्तों यहाँ पर इतनी प्रोसेस है बस, अभी ये यहाँ पर ऑर्डर बुक हो गया आपका। अगर आपका ऑर्डर पेंडिंग होगा तो यहाँ पर नीचे पेंडिंग में आ जाएगा, अगर आपका ऑर्डर ट्रेड हो गया है तो आपका ट्रेड यहाँ पर ट्रेडिंग हिस्ट्री में आ जाएगा। दोस्तों मेरा ऑर्डर पास हो गया है और अभी यहाँ पर आप ट्रेडिंग हिस्ट्री में देख सकते हैं टाइमिंग बाय 10 RHFC कॉइन, उसके बाद उसकी टोटल अमाउंट यहाँ लिख के आ गई। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस के अंदर, यहाँ पर टॉप के अंदर मेरे 14 RHFC यहाँ पर अमाउंट हो रखे, पहले 5 थे, 5 पॉइंट समथिंग थे, अभी 10 ऐड हो गए तो यहाँ पर 14.97 हो रखे। दोस्तों इस तरीके से आप बाई कर सकते हैं। सेल के लिए भी सेम वही प्रोसेस, आपको सेल के लिए अपने सेल ऑर्डर में जाना होगा और यहाँ से आपको अपना सेल ऑर्डर बुक करना होगा। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है यहाँ पर कि आपको कैसे बाई करना है और कैसे सेल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप एक्सचेंज के लिए आपको कुछ सेटिंग करना है तो आप यहाँ पर सेटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर अपना वोट में जाके वोट कर सकते हैं, यहाँ सपोर्ट में जाकर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको सपोर्ट में जाके अपना प्रॉब्लम आप बता सकते हो। ट्रेड में आपको ट्रेड करने के लिए, लेजर में आपको अपना बैलेंस ऐड और विड्रॉल करने के लिए आपको जाना होगा, ऑर्डर में आपका ओपन ऑर्डर और बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर सब आपका दिखेगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये है csx.com का पूरा ओवरव्यू, आप इस तरीके से यहाँ पर बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।